अक्सर ये प्रश्न आता है कि फला व्यक्ति ने मेरा नुकसान कर दिया या फला व्यक्ति के मिलने से मेरा ये फायदा हुआ। यूनिवर्स में हमको ऐसे व्यक्ति से मिलाया जाता है, प्रकृति हमको ऐसे व्यक्ति से मिलवा देती है जिससे हमें मिलना होता है। हमारे पिछले अनेक जन्मों के कर्म फल हैं जिनकी वजह से लोग हमें मिलते हैं और उनसे मुझे सुख या दुख का अनुभव होता है, लाभ और हानि होती है। ऐसे लोगों के पास हम जाके मिलते हैं कि वो पिछले जन्मों का हिसाब बाकी जो था वो बराबर हो जाता है। अब देखिए ना, माता पिता हमको बहुत प्यार करते हैं लेकिन हम उनकी बातों पर उनसे चिल्लाते हैं, उनसे लड़ते हैं, कभी कभी ऐसी बात कह देते हैं कि माता पिता को दुख होता है। वहीं पर आप सोचिए कि आप किसी को प्यार करते हैं, आप किसी को बहुत पसंद करते हैं और वो जिसको आप पसंद करते हैं वो आपकी बातों को नहीं मानता है, आपके ऊपर चिल्लाता है, फिर आपको दुख होता है कि हम इससे बहुत प्यार करते हैं और ये व्यक्ति हमको दुख दे रहा है, हमसे क्रोध में कड़वे वचन कह रहा है। ठीक उसी तरह आप अपने पिता को बहुत कड़वे वचन कह रहे थे जबकि माता पिता आपको प्यार करते हैं। तो आदमी बदल जाता है, पर्सन बदल जाता है, आपके किए हुए कार्यों का परिणाम किसी और व्यक्ति से आपको मिलता है। अगर आप इन बातों को एहसास करें, इस पर चिंतन करें कि यूनिवर्स में जो कुछ भी घटित होता है, हम जिससे मिलते हैं या जो चीज़ें मुझे मिलती हैं वो सब पिछले कई जन्मों के प्रारब्ध के अनुसार घटित होता है। कोई व्यक्ति आपसे मिलता है, आपको बहुत लाभ पहुंचा देता है और वहीं कुछ लोग ऐसे जीवन में आते हैं जिनसे आपका बड़ा नुकसान होता है। आपका पैसा बाकी था, आपका सुख दुख का हिसाब बाकी था, कहीं आपने गलत किया था, तो वो प्रारब्ध को लेकर यूनिवर्स ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि इस जगह, इस जीवन में इस जगह आपको मिलना है और हिसाब पूरा होना है। अब आप दुखी होते हैं तो ये जो दुख है ये मनुष्य का दोस्त है। जब आप दुखी हों तभी आप कुछ ऐसा सोच सकते हैं जो आगे के जीवन में काम आ सकता है। हम सोचते हैं कि दुख हमारे जीवन में बुरा है, दुख आया है तो हम दुखी होकर बैठ जाते हैं। याद रखो, जिंदगी जब मायूस होती है तभी महसूस होती है। अगर हम उस दुख के क्षणों में ये अनुभव करना शुरू करें कि ऐसा क्यों हुआ, ये सुख और दुख, ये लाभ और हानि मेरे जीवन में फला फला व्यक्ति या फला फला वस्तु के माध्यम से प्राप्त हुई, तो क्यों प्राप्त हुई, कौन सा ऐसा मुझसे प्रारब्ध हुआ है, बस वहीं से अगर हम चिंतन शुरू कर दें तो जीवन में एक नई दृष्टि पैदा हो जाएगी। लेकिन अफसोस, हम दुख के क्षणों में चिंतन नहीं कर पाते हैं जबकि वही एक ऐसा समय होता है जब हमारा ज्ञान प्रस्फुटित हो सकता है। और सुख के क्षणों में तो हम चिंतन कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि सुख इतना हमको आनंद देने लगता है और उस आनंद में डूबकर हम बहुत से चिंतन जो कर सकते थे वो नहीं कर पाते हैं। तो जाहिर सी बात है, सुख में तो हम चिंतन कर ही नहीं पाएंगे, दुख में कर सकते हैं। लेकिन दुख को हम इस रूप में लेते हैं कि वो हमारा दुश्मन है, तो उन बातों को जो हम सोच सकते थे उनसे चूक जाते हैं। और अगर हम दुख को अपना दोस्त समझ लें कि अब वो क्षण आया है जब मेरे जीवन में बहुत खराब स्थितियां हैं, लोगों ने बहुत हमारे साथ अच्छा या बुरा जो भी धोखा दिया है, तो जो दुख आप लेकर बैठे हैं बस वहीं पर अगर आप एकांत होकर चिंतन करें, ध्यान करें, तो बहुत सी ऐसी चीजें आप समझ सकते हैं जो किताबों में पढ़ने को नहीं मिलेंगी या फिर कोई गुरु आपको मिले जो समझा सके, अन्यथा आप स्वयं आत्म चेतना से दुख के क्षणों में प्रकृति के, यूनिवर्स के उन रहस्यों को जान सकते हैं जो शायद किसी किताब के माध्यम से आप नहीं समझ पाएंगे। लेकिन ज्यादातर व्यक्ति
दुख के क्षणों में जो चिंतन करना चाहिए वो कर नहीं पाते हैं और चूक जाते हैं। अमुक व्यक्ति कहता है कि मेरी शादी उनसे हो गई, मैंने लव मैरिज की, मैंने अपनी पसंद से शादी की। यूनिवर्स ने आपको वैसे व्यक्ति से मिलाया। अच्छा सोचिए कि किसी की शादी जल्दी हो गई, किसी की बहुत देर में हुई, किसी के बहुत ज़्यादा रिश्ते आए या देखे गए। जब तक प्रकृति उस व्यक्ति से नहीं मिलाएगी जिससे उसको मिलाना है, किस समय, कब, कहाँ, कैसे, तब तक आप नहीं मिल पाएंगे। किसी की पत्नी खर्चा बहुत कराती है। लोग अक्सर आते हैं हमारे पास ज्योतिष के काम में कि बच्चे बात नहीं मानते हैं, खर्चा कराते हैं। आपने उनका पैसा लिया है, जब तक वो पैसा खर्च नहीं हो जाएगा इस जन्म में आप उससे बच नहीं पाएंगे। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ समय बाद वो बच्चे और पत्नी या जो आपके रिश्ते हैं शुरू में दुख देते हैं, खर्च कराते हैं, बाद में उनको ज्ञान पैदा होता है, दरअसल जो लेन देन था वो समाप्त हो गया। तो जिस उम्र में समाप्त हुआ, 35 वर्ष की उम्र में, 50 वर्ष की उम्र में, तो वही रिश्ते जो खराब थे वो अच्छे होने लगते हैं, वही बच्चे जो खर्च करा रहे थे वो कम खर्च कराने लगते हैं। तो जितना जिसका हिसाब बाकी है वो पूरा करना पड़ेगा। एक प्रश्न अक्सर हमारे पास आता है और इस पर मैंने बहुत गुरुजनों से, ज्योतिषियों से चर्चा भी की। ये प्रश्न है कि कर्म फल इसी जन्म में क्यों नहीं मिलता है और पिछले अनेक जन्मों में हमने क्या अच्छा बुरा किया, वो इस जन्म में हमें मिल रहा है तो मुझे क्या मालूम मैंने क्या किया था। ईश्वर को उसी जन्म में सारा हिसाब करना चाहिए। इसका उत्तर समझने का प्रयास करें। सपोज करिए आपने कोई गलत काम किया किसी के साथ, या बहुत सारे लोगों ने मिलकर बहुत सारे लोगों का नुकसान किया, या आपने कभी कोई ऐसा गलत काम किया जिससे कई व्यक्तियों को दुख हुआ, कई व्यक्तियों का नुकसान हुआ, उसका कर्म फल